कम माइंड जियो साइंटिस्ट परीक्षा में 8 छात्रों ने सफलता हासिल की है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त भू वैज्ञानिक परीक्षा 2022 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के 8 छात्रों का चयन भू वैज्ञानिक और जल भू वैज्ञानिक के पदों पर हुआ है। हर साल संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भू वैज्ञानिक परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। प्रीलिम्स के बाद मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। आपको दिन रात पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि सफलता पाना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए हर साल बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं इंटरव्यू में। फेल होने वाले छात्र भी हैं और सफल होने वालों का भू वैज्ञानिक और जल भू वैज्ञानिक के पदों पर चयन एएमयू के भू विज्ञान विभाग के 8 छात्रों का चयन किया गया है। विभाग के अध्यक्ष कंवर फरीम खान ने चयनित छात्रों को बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और छात्रों की सफलता को विभाग और विश्वविद्यालय की सफलता बताते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद छात्र कक्षा 1 के अधिकारी बनते हैं। यह एक प्रतिष्ठित पद है। विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि एक ही विभाग के 8 छात्रों का भू विज्ञान और जल विज्ञान के पदों पर चयन एक बड़ी उपलब्धि है, जो छात्रों की मेहनत और शिक्षकों के सहयोग का परिणाम है। ऐसी सफलता से विभाग और विश्वविद्यालय का मान बढ़ता है, इसीलिए विभाग और विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल रहता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त भू वैज्ञानिक परीक्षा 2022 में भू विज्ञानी और जल भू विज्ञानी के पदों पर चयनित हुए छात्रों ने भी खुशी जाहिर की। छात्रों का कहना है कि यह हर रोज 8 से 10 घंटे की मेहनत का नतीजा है। इस सफलता से विभाग के शिक्षक और हमारे अभिभावक भी खुश है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में काम करने के लिए भू वैज्ञानिकों के रूप में चुने गए छात्रों में मोहम्मद तनवीर अहमद ऑल इंडिया रैंक 10, अलमास अफरीन ऑल इंडिया रैंक 24, मोहम्मद आतिफ रजा ऑल इंडिया रैंक 48 है, गुलाम आसिफ ऑल इंडिया रैंक 51 और अबुजार कमाल ऑल इंडिया रैंक 76 के अलावा रमेश मेहती ऑल इंडिया रैंक 5 और केंद्रीय भूजल बोर्ड ने हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के रूप में मशहूर इस्लाम को इस पद के लिए चुना गया है। जी, मेरा नाम मोहम्मद तनवीर अहमद है और हमारा सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू, ये कंडक्टेड एग्ज़ाम है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, तो इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑल इंडिया रैंक 10th भी है। इस डिपार्टमेंट में हम लोग रिसर्च कर रहे थे और बहुत टाइम से हम लोग तैयारी कर रहे थे इसके लिए, तो लास्ट ईयर भी हम लोगों का मेंस क्वालिफाई हुआ था बट इंटरव्यू में नहीं हो सका था, तो इस ईयर जो है हम लोग फाइनली सेलेक्टेड हुए हैं। और इसमें ये मेनली जो है वो इस पोस्ट का नाम है सेंट्रल जियोलॉजिकल सर्विस और ये एक कैडर बेस्ड पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और इसमें जिन बेसिकली हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कैसे एक्सप्लोर करना है और इकोनॉमिकली इंडियन गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा पहुँचाना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत इसके लिए तैयारी की, बहुत कोशिश की, 10 घंटे 12 घंटे हम लोगों ने पढ़े हैं पर डे के हिसाब से, और माशाल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग है हम लोगों की। घर पे भी सब लोग बहुत खुश हैं, डिपार्टमेंट में भी बहुत खुश हैं, चेयरमैन साहब जी। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है और इस तरह से इतनी बड़े यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसको समझता हूँ। और वक्तन फवक्तन हम लोग अपने जूनियर्स को भी इसके लिए गाइड करते रहते हैं, अब तो बहुत सारी कोचिंग्स भी है और ऑनलाइन भी हम लोग गाइड करते रहते हैं अपने जूनियर्स को, और वो लोग भी पूछते रहते हैं हमेशा हम लोगों से कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो इस तरह से फजल से हम लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है इसमें, इस एग्ज़ाम में। और पिछले 2-3 सर किस तरह का ये बच्चों का सिलेक्शन है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं प्रोफेसर कुमार फराहिम खान, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, बहुत खुशी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट से 8 स्टूडेंट्स कम्बाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्ट हुए हैं फाइनली, और ये एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और ये पिछले साल ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजिशन होती है, जिसमें डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर स्टूडेंट्स होते हैं और ये यानी होता रहता है, ये कंडक्ट कराती रहती है यूपीएससी, और ये जो कुछ हुआ है ये स्टूडेंट की मेहनत और फैकल्टी मेंबर्स की गाइडेंस और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का कोऑपरेशन और सपोर्ट का नतीजा है। इसकी वजह से डिपार्टमेंट में बहुत खुशी का माहौल है,
और बाहर से भी मुबारकबाद के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। स्टूडेंट खुशी में मिठाइयां खिला रहे हैं और सब लोग इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। डिपार्टमेंट के लिए ये एक बहुत यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लेसमेंट का, और इस प्लेसमेंट से डिपार्टमेंट की प्रोफाइल बहुत बढ़ती है, रैंक बढ़ती है, पॉइंट्स बढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी की भी रैंक में इससे फ़र्क पड़ता है। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है ये, और ये स्टूडेंट की मेहनत का नतीजा है। मुलाजमतों का सर जिस तरह से हाँ किस तरह से कितना इम्पोर्टेंट है इस लगता? और आजकल जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोजीशन है, अच्छी पोजीशन क्लास वन ऑफिसर की, वो ज़रा मुश्किल से मिलती है। तो उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे स्टूडेंट का, और हमारे डिपार्टमेंट के स्टाफ का बहुत बड़ा इसमें यानी कोऑपरेशन है और उनका कंट्रीब्यूशन है। और हम डिपार्टमेंट जो है ना स्टूडेंट्स के लिए हर किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और आइंदा फ्यूचर में भी डिपार्टमेंट हर किस्म की फैकल्टी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करता रहेगा। सफ़र है और ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सिमिलर है सिविल सर्विस के हिसाब से, क्योंकि इस एग्ज़ाम को भी UPSC कंडक्ट करती है और सेम प्रोसीजर है। इस तरीके से सिविल सर्विस में प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन और फिर फाइनल थर्ड स्टेज में इंटरव्यू होता है, वही सेम प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया है। पहले हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ, फिर जो है मेंस हुआ, और उसके बाद फाइनली हम लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं। तो ये काफ़ी लंबी जर्नी थी और काफ़ी स्ट्रगल से ये भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड्स हैं, 10 घंटे 12 घंटे जो है पढ़ना पड़ता है इसके लिए, काफ़ी स्टैंडर्ड्स बुक्स को फॉलो करनी पड़ती हैं, और ये इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको डिपार्टमेंट से इसका पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। टीचर्स की गाइडेंस होती हैं, तो हमारे जो डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं इनका पूरा सपोर्ट है हमारे ऊपर। क्लास के नोट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और टीचर्स की जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो सारे टीचर्स का इसमें रोल है। स्पेशली जो हमारे इरफान मंडल साहब हैं और चेयरमैन साहब हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। स्पेशली मंडल साहब ने हम लोगों को बुला करके इसके लिए गाइड किया था कि आप कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा स्टेप है जो फाइनल स्टेप है इस एग्ज़ाम का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंटरव्यू में कट जाते हैं। वो प्रिलिमिनरी और मेंस तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनका क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंटरव्यू की गाइडेंस आपको अच्छे से मिल जाए तो आप उसमें ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए सर ने हम लोगों को बुला करके तकरीबन 3-4 घंटे उन्होंने प्रॉपरली गाइड किया, हम लोगों को गाइड किया कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। तो उसका मेरे लिए उसका बहुत मुझे बहुत फ़ायदा मिला और मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत कॉन्फिडेंस आया, और जिसकी वजह से फाइनली मैं जो है इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ है। जी फीलिंग अच्छी है, खुश हैं, घर वाले भी सब खुश हैं और लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, और आगे भी हम लोग जो है डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से कांटेक्ट में रहेंगे, और हम लोग प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को, और इंशाल्लाह आगे भी, इस साल वैकेंसी बहुत अच्छी है तो आगे भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।